हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द ऑनलाइन एडमिशन एंड काउंसलिंग ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर द सेशन 2020 एंड 2021। जैसा कि आप सबको पता है, इस साल एमयू में एडमिशन जो है वो ऑनलाइन लिया जाएगा, जिसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है। वो पोर्टल है counseling.amucontrollerexams.com। ये जब शेड्यूल आ जाएगा एडमिशन का, तब एक्टिवेट होगा। मीनवाइल इसमें जो गाइडलाइन इशू हुई है कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, उसमें सिंपली 6 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं एडमिशन कंप्लीट करने के लिए। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, देन चॉइस फिल करनी होगी अपनी एंड उसको लॉक करना होगा। देन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स जो आपने किए हैं उनको सबमिट करना होगा। देन आपको एडमिशन ऑफर होगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको पेमेंट करनी होगी। दैट्स ऑल, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी है जिसकी डेट आपको बाद में आएगी, तो वो भी मैंडेटरी है, वो आपको फिज़िकली कराना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की, हाउ टू रजिस्टर और क्रिएट योर अकाउंट फॉर टेकिंग एडमिशन। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास, आपके सामने आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए रोल नंबर उसमें इंसर्ट करना है आपको, देन एप्लीकेशन नंबर उसके अंदर लिखना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी सेम एज़ जैसे कि आपने एप्लीकेशन में अपनी यहाँ अप्लाई करते टाइम डाली हो, वो डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद एक वर्किंग ईमेल एड्रेस डालना होगा और करंट मोबाइल नंबर डालना होगा। ईमेल और मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको वहाँ डालना होगा, वो वेरीफाई होगा। उसके बाद एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, कोई भी अपनी चॉइस का, मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। ये जब स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप होगा आपका लॉगिन, अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो जो आपका यूज़र नेम होगा वो वही होगा जो आपने ईमेल एड्रेस अपना डाला होगा। तो ईमेल एड्रेस आपका यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड उसमें इंसर्ट करेंगे, देन लॉगिन करेंगे। ये सेकंड स्टेप हो जाता है। देन थर्ड स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना एक फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, मास्टर्स की मार्कशीट, या कोई स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो वो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। जैसे 11th में अगर एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर स्पेशल कैटेगरी है तो वो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट करना होगा। जो लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे उनको 10th, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। जो मास्टर्स में लेंगे उनको 10th, 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलर्ड स्कैन कॉपी होने चाहिए, JPG, JPEG और PDF फॉर्मेट में। फ़ोटो और सिग्नेचर JPG और JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ब्लर वगैरह उसमें ना हो, क्योंकि वो वेरीफाई होंगे। नेक्स्ट इसमें है कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो वो भी आप अपलोड कर दीजिए अगर एक्सटर्नल हैं तो। इंटरनल के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। एमटेक वालों के लिए जैसे गेट का सर्टिफिकेट है तो अगर उनके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो वहाँ एक नेक्स्ट का बटन होगा। उस नेक्स्ट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक काउंसलिंग का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ आपकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होगी, आपको वहाँ अपनी चॉइस को फिल करना है, सब किस सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं वो आपको वहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका नाम स्पेशल कैटेगरी में भी है, जनरल कैटेगरी में है, तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो वाले, कि आप स्पेशल कैटेगरी में अपनी सीट
रिज़र्व करना चाहते हैं जनरल कैटेगरी में, तो वहाँ आपको यस और नो करना है, जो भी आपकी चॉइस हो। स्पेशल कैटेगरी में अगर चांस आपको लग रहा है तो आप वहाँ पे यस कर दीजिए, स्पेशल कैटेगरी में एडमिशन लेना है, और लग रहा है कि जनरल के थ्रू हो पाएगा तो जनरल वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको प्रेफरेंस अपनी देनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में, मान लीजिए आप बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में आपको चाहते हैं पहले हो जाए, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, या अदर सब्जेक्ट हैं, जियोलॉजी वगैरह है, तो आपको अपने इस टाइप से प्रेफरेंस देनी है। ये सिर्फ उसके लिए है जिन कोर्सेज में प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट्स होगा, सब्जेक्ट होगा, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, तो वहाँ आपको प्रेफरेंस अपनी स्केल करनी है 1, 2, 3, 4 टाइप में जिसमें आप लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको एक अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपने मान लीजिए केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया और आप चाहते हैं कि अगर फिज़िक्स में सीट खाली हो तो उसमें मेरा हो जाए, तो वहाँ आपको एक ऑटो अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन पे यस करना होगा अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, और अगर अपने जो सब्जेक्ट आपको मिला है उससे सेटिस्फाई हैं तो वहाँ पे नो कर दीजिए आप। एक बार अपग्रेड होने के बाद आप उसको रिवर्स, मतलब आप दोबारा से फिर ये नहीं आएंगे केमिस्ट्री लें तो वो मिल जाए आपको, एक बार अपग्रेड हो जाएगा तो फिर आपको जो अपग्रेड वाला सब्जेक्ट है वही रहेगा। यहाँ तक करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपने वहाँ सब्जेक्ट प्रेफरेंस अकॉर्डिंग जो भी फिल किए हैं, उसके बाद एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफिसर अपॉइंटेड होंगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वहीं पर वेरीफाई करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए या नहीं है। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आप जो है इस कोर्स में सेलेक्ट हो चुके हैं, आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो आपका एडमिशन वहाँ ऑनलाइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक फिज़िकल रिपोर्टिंग भी बाकी है जो जिसकी डेट बाद में आएगी, वो आपको मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा कंट्रोलर ऑफिस के थ्रू। तो फिज़िकल रिपोर्टिंग में जो भी और डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ अपलोड किए हैं इस पोर्टल पे, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली आपको इन पर्सन वहाँ वेरीफाई कराने होंगे, उसी के बाद आपका फाइनली एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया है और जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं दोनों में कोई डिफरेंस हुआ तो आपका एडमिशन वहाँ कैंसिल कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम बहुत ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड होने चाहिए, अच्छे फॉर्मेट में होने चाहिए और कलर्ड होने चाहिए। इन सिंपल 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन। इफ़ स्टिल एनीवन हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।